क्यों आज कल नींद कम खब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18, एक्सरसाइज 18 बी का। यह है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन का यह क्वेश्चन लिया गया है आईसीएसई मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या करना है। लिखा गया है ड्रा अ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है PQ जिसका लेंथ होगा 4.8 सेंटीमीटर और उसका हमें बाइसेक्टर ड्रा करना है। कौन सा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे एक बाइसेक्टर ये हम ड्रा करना सीखे हैं कि एक लाइन इधर से ड्रा होती है, यहां से ड्रा होती है, जो कर्व लगा होता है यहाँ, ये वाला मतलब होता है। फिर एक यहां से आती है, इसको ऐसे मिला देता है, यहाँ इसका बाइसेक्टर बन जाता है। तो हमें ये वाला बाइसेक्टर नहीं चाहिए, ये जो है परपेंडिकुलर नहीं बना रहा है। हमें कौन सा बाइसेक्टर चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया गया है, ठीक उसके एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरीके का हमें बाइसेक्टर ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे सीखते हैं। तो आजा भाई देखते हैं ड्रा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है PQ जिसका लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। PQ हमने ड्रा कर लिया है और मान लेते हैं इसका लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। हम सिर्फ मान ही लेते हैं, इसको हमने सिर्फ मान लिया है क्योंकि हमने इसको रूलर के हेल्प से तो ड्रा नहीं करा है कि 4.8 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होगा। तो हमने सिर्फ मान लिया है कि इसका लेंथ क्या है, 4.8 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका हमें बाइसेक्टर ड्रा करना है। कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ऐसा बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट करे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो वही हम अल्टरनेट वाला मेथड यूज करेंगे। P को पहले सेंटर मानेंगे, फिर Q को सेंटर मानेंगे। P को सेंटर मानकर एक हम आर्क ड्रा करेंगे यहां। आर्क का रेडियस कितना होगा? आर्क का रेडियस होगा ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया है उसके आधे से ज्यादा लंबाई का होगा। आर्क का रेडियस कितना होगा? जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया है उसके आधे से ज्यादा लंबाई का होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का अगर हम कंपास पे अगर लेंथ ले लें, रेडियस ले लें, उसी को हमें यहां ड्रा कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने कर दिया है ड्रा और दोनों तरफ ड्रा करना है, ऊपर भी और नीचे भी हमने ड्रा कर दिया है, बोथ साइड ड्रा, बोथ साइड। अब हमें वही सेम उतने ही रेडियस का दूसरा आर्क ड्रा करना है, क्यू को सेंटर मानकर यहां और दोनों बोथ साइड यहां भी। अब हम क्या करेंगे इसका, इसको जहां ये कट कर रहा है इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। क्यों? पी और क्यू नहीं मान सकते क्योंकि पी और क्यू तो लाइन सेगमेंट का नाम ही हमने ले लिया है। तो इसको हम कर देते हैं इससे मैच। तो यहां जो है आप देख रहे हैं यहां जो लाइन सेगमेंट दूसरा वाला बाइसेक्टर वाला ए बी जो पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है, ये 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको मान लेते हैं ओ पे कट कर रहा है। ठीक है, पी ओ इक्वल टू पी क्यू ना लिखे यार, पी ओ इक्वल टू ओ क्यू, पी ओ इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू पी क्यू 1/2 पी क्यू लिख सकते हैं, 1/2 पी क्यू। तो यही है, क्यों? क्योंकि पी क्यू और ओ क्यू
एबी मतलब पीक्यू को एबी ने एकदम टू इक्वल का पार्ट में काटा है, तो ये जितना ये लंबा होगा उतना लेंथ का ये होगा, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पीक्यू इक्वल टू ओक्यू हो सकता है। और दोनों जो दोनों हैं, दोनों जो हैं एबी के क्या हैं, एबी नहीं पीक्यू के क्या हैं, आधे आधे हैं, तो 1/2 पीक्यू हमने लिख दिया है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, PO इक्वल टू 1/2 PQ, मतलब इस तरीके से है, और OQ भी 1/2, OQ भी क्या है 1/2 PQ है, समझ में आ गया होगा। और हम लिख सकते हैं एंड, और क्या परपेंडिकुलर खींचना था ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं PQ नहीं परपेंडिकुलर कौन सा है, एंड यहां लिख देते हैं, एंड AB इज परपेंडिकुलर, AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, AB ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। AB जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कौन सा है, बाइसेक्टर है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, जो बाइसेक्टर AB है PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि हर तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ में आ गई होगी, अब आई मुद्दे की बात समझ में आई तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।